वर्ष 2007 में कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल की नींव रख ज्ञान की लौ जलाने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति हरीशचंद्र सिंगल का निधन गुरुवार को हो गया। उनके बेटे व कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि उनके 81 वर्षीय पिता लीवर के इन्फेक्शन से पीड़ित थे। पिछले एक हफ्ते से नोएडा के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नुमाइश मुक्ति धाम में किया गया है। उनके निधन से शिक्षा व उद्योग जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। 1999 में सिंचाई विभाग में इंजीनियर पद से रिटायर होने वाले हरीशचंद पहले अपने स्टाफ की मदद करने में विश्वास रखते थे, इसलिए कृष्णा स्कूल स्टाफ के बच्चों को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि उनके पिताजी ने एक दिन पहले अपने प्रपोत्र युधिष्ठिर को अपने पास मिलने के लिए नोएडा बुलवाया था। उनकी इच्छा अनुसार प्रपोत्र भी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। स्वर्गीय हरीशचंद सिंगल की उठावनी की रस्म शुक्रवार को गायत्री पैलेस गुल्लर रोड पर दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी। कोरोना को देखते हुए उनके बेटे प्रवीण ने अपील की कि सभी अपने घरों से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब नहीं कोई मजबूरी है, शिक्षा सुधार जरूरी है। नई सरकार बनाएंगे, शिक्षा में सुधार लाएंगे। बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार। मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा में सुधार और रोजगार। बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार। 129 महनार विधानसभा से रालोसपा उम्मीदवार त्रिवेणी कुमार चौधरी को पंखे पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए।